आप अपने पसंद से मछली सेलेक्ट कीजिए, हम आपको बना के देते हैं। 20 से 25 मिनट सिर्फ चाहिए। अगर आप आते हो मटन के शौकीन हो तो यहाँ डेली खसी काटा जाता है, कोई उसमें मिलावट नहीं है। जितना भी होटल है अंडर सीसीटीवी सर्विलियंस है, आप उसमें भी देख सकते हो पूरा काटा जाता है, सिर्फ खसी काटा जाता है, कोई मिलावट नहीं होता। यहाँ पे आप बिल्कुल सिक्योर हो, फैमिली के साथ आते हो, ठीक है। यहाँ गार्ड भी है, मार्केट में हर जगह सर्कुलेट था कि 4 बजे तक होगा उद्घाटन, लेकिन 4 या 3 बजे हमारे पास इतने गेस्ट आना शुरू हो गए जो हमारा कुछ प्लान भी पोस्टपोन्ड हो गया। कैसा लगा यहाँ का स्वाद, चूँकि आज इस होटल का ओपनिंग था? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। नमस्कार, अगर आप बेनीपट्टी से मधुबनी जाते हैं या मधुबनी से सीतामढ़ी की ओर जाते हैं, इस आपाधापी की लाइफ में बेनीपट्टी में एक लाइन होटल की आवश्यकता काफ़ी दिनों से थी, या यूं कहें तो काफ़ी वर्षों से थी। ऐसे में बेनीपट्टी से मधुबनी जाने वाली पथ बेलही पोखर संसारी मोड़ से जस्ट आगे है, उसके सामने बेनीपट्टी लाइन होटल का उद्घाटन आज हुआ है। और इसकी उद्घाटन यूँ कि इतनी बम्पर हुई है कि फीता काटने का जो एक रस्म है, रिवाज है, वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि सुबह से ही यहाँ पर जो भी यहाँ के लाइन होटल के प्रेमी थे, खाने के प्रेमी थे, वो पहुँचना शुरू कर चुके हैं। और आपको यह बता दें कि इस लाइन होटल पर आप सुकून के 4 पल अपने परिवारजनों के साथ या अपने मित्रजनों के साथ बिता सकते हैं। साथ ही साथ जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी फास्ट फूड की व्यवस्था, झूलने की व्यवस्था भी आप हमारे सामने में देख रहे हैं कि कुछ बच्चे इसी लाइन होटल में लगे झूले पर झूल रहे हैं। तो यहाँ कमोबेश यहाँ सारी व्यवस्थाएं की गई है। बच्चे आए, नौजवान आए, शादीशुदा व्यक्ति आए या बूढ़े आए, हर व्यक्ति के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ स्पेशल लगा है। और सबसे बड़ी खासियत यहाँ इस जगह की यह है कि यहाँ लोकेशन काफ़ी शानदार है, पार्किंग की काफ़ी व्यवस्थाएं हैं। और अभी हमारे जो सामने बगल में देख रहे हैं यह मधुबनी जाने वाली रोड है, और इसके जस्ट पीछे सीतामढ़ी पुपरी की ओर जाने वाली सड़क है, जहाँ दिन हो या रात हो हमेशा कहीं ना कहीं वाहनों का परिचालन होता रहा है। लेकिन रात अधिक होने के बाद अमूमन वाहन चालक कहें या यात्रियों कहें, उनके खाने पीने की एक समस्याएं होती थी। ऐसे में यह बेनीपट्टी लाइन होटल उन लोगों के लिए काफ़ी सहायक होगा, उन लोगों के लिए भी काफ़ी सहायक होगा जो बेनीपट्टी में रहते हैं और अपने परिवार के साथ 4 पल व्यतीत करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अच्छा लोकेशन नहीं मिल पाता है, उन्हें अच्छा जगह नहीं मिल पाता है। अब हम इस लाइन होटल, चूँकि इनका मुख्य उद्देश्य तो स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं उन्हें 4 पल बेहतर और आनंदमय लाइफ बिताने के लिए इन्होंने मुहैया कराया, हम सीधे जानेंगे इस होटल के जो संचालक हैं रविंदर जी, उन्हीं से जानते हैं कि इस लाइन होटल की और क्या खासियत है। जो खासियत थी वो हमने आपको बताया था। रविंदर जी, BNN पर आपका स्वागत करते हुए ये पूछेंगे कि बेनीपट्टी लाइन होटल की खासियत क्या होगी, चूँकि यहाँ लोकेशन काफ़ी अच्छा है, शानदार लोकेशन है, और क्या इसकी खासियत? सबसे पहले BNN के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। यहाँ पे आपको सारी सुविधा मिल जाएगा, जैसे अगर आपको पान भी खाना है तो यहाँ आ सकते हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसका मतलब पान खाना है तब भी आप यहाँ आइए, चाय पीना है तब भी आइए, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है तब भी आप आ सकते हो, अगर आप फास्ट फूड के शौकीन हो तब भी यहाँ आइए, खाना चाहते हो खाना भी अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ आज तक आप अगर कहीं भी देखिएगा किसी बड़े से बड़े होटल में कोई आपको कुछ भी खिलाता है, लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ लाइव है। अगर आप कभी भी आते हो मछली के शौकीन हो मिथिला के अंदर, तो आप यहाँ पे रोहू और कटल भाकुर, ये जो हमारे यहाँ का फेमस है, वो दोनों हमारे पास लाइव अवेलेबल है। कभी भी आप आइए अपने फैमिली के साथ, 20 से 25 मिनट के अंदर हम आपको बना के देंगे। आप अपने पसंद से मछली सेलेक्ट कीजिए, हम आपको बना के देते हैं, 20 से 25 मिनट सिर्फ चाहिए। अगर आप आते हो मटन के शौकीन हो तो यहाँ डेली खसी काटा जाता है, कोई उसमें मिलावट नहीं है, आप आके भी देख सकते हो पूरा। ये जितना भी होटल है अंडर सीसीटीवी सर्विलियंस है, आप उसमें भी देख सकते हो पूरा काटा जाता है, सिर्फ खसी काटा जाता है, कोई मिलावट नहीं होता। प्लस यहाँ पे आप बिल्कुल सिक्योर हो, फैमिली के साथ आते हो, ठीक है। यहाँ गार्ड भी है, ठीक है। आज के टाइम में अगर आप बेनीपट्टी देखते हो या मधुबनी भी जाते हैं, हर जगह सबसे बड़ी दिक्कत होती है क्या, अगर आप कार से जाते हो, 4-व्हीलर से जाते हो, तो कहीं पर भी पार्किंग नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हो, हमारे पास चारों साइड पार्किंग अवेलेबल है। ये पूरा अगर एरिया आप देखते हो तो 3 से 3.5 कट्ठे का प्लॉट है ये, जिसपे हमने सिर्फ कंस्ट्रक्शन 3,000 स्क्वायर फीट में कर रखा है, जिसका आधा बचा हुआ सारा स्पेस पार्किंग में ही यूज़ है यहाँ पे। आज हम लोग को न्योता मिला था रविंद्र जी उद्घाटन के लिए मिठाई खाने के नाम पर, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो
फीता काटने का जो रस्म है ग्राहकों के कारण नहीं हो पाया। ये उम्मीद थी कि इतनी बम्पर शुरुआत होनी? नहीं, उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा दुगुना हुआ। हम लोगों ने मार्केट में हर जगह सर्कुलेट था कि 4 बजे तक होगा उद्घाटन, लेकिन 4 के 3 बजे हमारे पास इतने गेस्ट आना शुरू हो गए जो हमारा कुछ प्लान भी पोस्टपोन्ड हो गया, जिसकी वजह और सलाइन होटल में जो पनीर के शौकीन है वो यहाँ आ सकते हैं। आपको हर कुछ मिल सकता है, जैसे आप तंदूर कबाब जो भी होता है आइटम, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। आप थोड़ा सा आपको 15 से 20 मिनट टाइम दीजिए, आपको सब कुछ अवेलेबल होगा। तंदूर, चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल जो भी चाहिए सब अवेलेबल है हमारे पास। और ये जो सामने में आप देख रहे हैं, इसी में रोहू और भाकुर जो मिथिलांचल के दो प्रसिद्ध मछली हैं वो जीवित रहेंगे, और जिन्हें भी खाना होगा मछली के जो शौकीनदार व्यक्ति हैं वो आकर के मछली को पसंद करेंगे और 20 से 25 मिनट पर वो मछली बना हुआ पका हुआ स्वादिष्ट मछली आपके टेबल पर होगा। तो रविंद्र जी, यहाँ पर जो है आपकी पार्किंग की व्यवस्था आपने अदर व्यवस्था कर दी है, बच्चों के लिए जो यहाँ आएंगे, मान लीजिए कोई पारिवारिक व्यक्ति यहाँ आ रहे हैं अपने परिवार के साथ बात कर रहे हैं लेकिन उनका कुछ बच्चा खेलने कूदने के मूड में है, उनके लिए क्या व्यवस्था? उनके लिए भी हमने झूला लगा रखा है, प्लस क्या होगा वीकेंड पे हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे स्विमिंग पूल टब टाइप, जिसमें कि बच्चे आके एंजॉय कर सकते हैं। फैमिली अभी भी आप अगर देख सकते हो तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे, काफ़ी सारे फैमिली उनके अंदर हैं लेकिन बच्चे यहाँ पे झूला पे एंजॉय कर रहे हैं। बचाओ कुछ ऐसे भी व्यक्ति आएंगे, चूँकि आपका लोकेशन शानदार है, यहाँ पर रह करके कम से कम मन को सुकून मिलने वाला है, ऐसे में हर जो दंपति होगा या प्रेमी जोड़े होंगे वो चाहेंगे कि कुछ प्राइवेसी के तौर पर हम यहाँ आना चाहें, उनके लिए क्या व्यवस्था है? हमारे पास केबिन का भी सुविधा उपलब्ध है, अगर चाहते हो प्राइवेसी तो आप आके यहाँ पे अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। एक चीज़ बताइए, जो जितने भी आइटम होंगे उसके रेट, आम बाज़ार के दर की बात की जाए और यहाँ के दर की बात की जाए तो कुछ फ़र्क होगा? नहीं, मार्केट के अकॉर्डिंग हमारा रेट जो है चीपर ही है, लेकिन आपको बेस्ट मिलेगा। अगर यहाँ पे कोई हम ऑयल भी यूज़ करेंगे वो भी प्रॉपर जो भी ब्रांडेड ऑयल ही यूज़ कर रहे हैं। अभी जो भी सरसों का तेल हम यूज़ कर रहे हैं वो भी फॉर्च्यून ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं, जो हम रिफाइन यूज़ कर रहे हैं वो भी फॉर्च्यून का कर रहे हैं, सब कुछ, जो भी आटा का क्वालिटी है, आप कोई भी यहाँ पे क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कुछ में भी नहीं है, और रेट आपको मार्केट के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। इनफैक्ट भविष्य में यह रोड हाईवे होने वाला है, आपको पता होगा, और हाईवे पर देर रात तक वाहनों का परिचालन होता रहा, उसके मद्देनज़र आपके ये लाइन होटल पर क्या कुछ ऐसा है कि व्यवस्थाएं कि रात भर में आप रुक सकते हैं, भोजन पा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे पूरा सुविधा उपलब्ध है, आप फैमिली के साथ आइए, रात को भी अगर आप आते हो तो बिल्कुल सेफ फील कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 24/7 गार्ड की सुविधा उपलब्ध है, जो कि आप सिक्योरिटी के अंदर ही हैं। साथ में बगल में आप देखिएगा तो थाना भी खुला है एक्साइज वाला, अभी नया। मधुबनी के झंझारपुर में आज भारत के गृह मंत्री अमित शाह का प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम से लौटते हुए भाजपा के विधायक इसी बेनीपट्टी लाइन होटल में ठहरे हैं, उन्हीं से जानते हैं कि इस लाइन होटल का चूंकि आज ओपनिंग होना था लेकिन पहुंचे। सर आज आप अमित शाह के कार्यक्रम से लौट रहे हैं, यहाँ बेनीपट्टी लाइन होटल का आज ओपनिंग था, यहाँ पर भोजन जो कर रहे हैं कैसा लगा? भाई अच्छा है, और आपका ओपनिंग डे है इसकी हम शुभकामना भी देते हैं कि आपका यह होटल निश्चित रूप से अच्छे ढंग से चले, और हम लोग तो अटेंडम आए हैं, और आपका खाना निश्चित रूप से आज अच्छा लग रहा है, स्वादिष्ट है, और लोगों को भी पसंद आएगा, और आपका होटल चलेगा भी। कुछ होटल संचालक को अगर कुछ सुझाव देना हो, चूँकि विधायक आप हैं, माननीय विधायक हैं, तो कुछ सुझाव देना हो तो? नहीं, पहला दिन है, सुझाव क्या है, ग्राहकों से अच्छा बर्ताव हो यही सुझाव, और क्या रहेगा। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जिनको आपने सुना, उन्होंने भी बताया है कि भोजन जो यहाँ बेनीपट्टी लाइन होटल में किए हैं उसका काफ़ी स्वाद है, हम उनके कुछ ग्राहक पहुँचे हैं। क्या सब है आपके प्लेट में? चिकन है, चावल है, सलाद है। कैसा लगा यहाँ का स्वाद, चूँकि आज इस होटल का ओपनिंग था? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। कैसा है स्वाद आज भोजन का? बहुत बढ़िया है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये थे आज बेनीपट्टी के बेलही पोखर के सामने SS52 के किनारे आज बेनीपट्टी लाइन होटल का ओपनिंग होना है, और ओपनिंग बम्पर हुई है, जो रविंदर जी यहाँ के जो होटल संचालक है उन्हें भी उम्मीद नहीं थी। हमने इस बीच में कुछ ग्राहकों से भी बात की, चूँकि रविंदर जी जिस तरह के दावे कर रहे थे तो उस दावों को भी परखना उचित लगा,
बेहतर लगा, इसलिए हमने कुछ ग्राहकों से भी बात की। इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक भी पहुंचे थे, उनसे भी हमने बात की और जाना कि इस होटल का स्वाद है। फिलहाल आपके लिए इतना ही, आप देखते रहे BNN न्यूज, कन्हैया मिश्र, बेनीपट्टी। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।